पांच का आठ नंबर क्वेश्चन है, साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 बराबर साइन 90 लाना है। क्या करेंगे, ले 30 यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके बाद साइन 30 का होता है 1/2, कॉस 60 का 1/2 प्लस कॉस 60 का √3/2, साइन 60 का √3/2, गुना कर देंगे 2 × 2 = 4, 1 में 1 से गुना कर देंगे प्लस √3 में √3 = 3, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, एलसी लेंगे 4 का 4, 1 का 1 प्लस 3, 3 एक जोड़ देंगे 4, 4/4 = 1, ये जो है आ गया LHS। तो साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, हमको लाना है यहाँ RHS साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ मेरा 1 आ गया, तो यहाँ बराबर देकर लिख सकते हैं साइन 90 और बराबर RHS, या अगर हमको इतना इसके बराबर नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, तथा RHS लिखेंगे, और RHS का मान कितना है साइन 90 इक्वल टू 1, और तब लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें दिया हुआ है कॉस लिखेंगे चुके LHS कॉस 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30, कॉस 60 और साइन 30 बराबर होता है, और कॉस 30 और साइन 60 का मान बराबर होता है, तो कॉस 60 साइन 30 का बराबर होता है, इसका आ जाएगा 1/2 गुना इसका आ जाएगा √3/2 माइनस ये साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2। अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये √3 और 2 × 2 = 4 माइनस √3/4, यहाँ पर भी इसको काट कर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, या इसका एलसीएम लेंगे तो 4, तो √3 - √3, ठीक है, यहाँ पर कटा देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो 0, और जैसे ही 0 आ जाएगा तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो बराबर देकर लिख सकते हैं कॉस 90, और कॉस 90 तो कितना है, ये RHS है, तो ये मेरा RHS प्रूव हो जाएगा। फिर से कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 गुना साइन 30 1/2, अब गुना कर देंगे, √1 और √3 को गुना करेंगे तो √3/4 माइनस, फिर गुना कर देंगे तो √3/4, √3/4 और √3/4, अगर इसको प्लस और माइनस काट के भी 0 लिख देंगे नहीं तो 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, एक रूट में एक रूट जो है वो प्लस में है और एक √3 माइनस में, तो √3 - √3 करेंगे, -√3 + √3 घटाएंगे तो 0 0/4 हो जाएगा, 0/4 का मान हो जाएगा 0, और 0 जो है कॉस 90 का मान होता है, तो हम उतना ना लिखा डायरेक्ट यहीं पे कटा के 0 लिख देंगे, 0 का मान होता है कॉस 90 डिग्री, या कॉस 90 का मान होता है 0 डिग्री, ये मेरा RHS हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 10, इसमें कॉस 60 बराबर साबित करना है 1 - tan²30 1 + tan²30, सबसे पहले LHS लिखेंगे, LHS cos 60 है, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 30 और cos 60 का मान बराबर होता है, ये हमेशा बताते रहते हैं, तो इसका हो जाएगा cos 60, cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, ये LHS और RHS, LHS का मान हो गया लिखेंगे तथा RHS, RHS is equal to 1 - tan²30 1 + tan²30 बराबर 1 - tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे 1 + 1/√3 इसका स्क्वायर कर देंगे, अब 1 का 1 रह जाएगा माइनस, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 1 + 1/3 हो जाएगा, फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 1 + इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 3 + 1 हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 + 1 जोड़ देंगे 4, कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, देखो ये LHS को 60 का मान 1/2, RHS 1 - tan², 1 + tan²30 इसका वैल्यू रख पुट करेंगे, सेम प्रोसेस लाएंगे 1/2 जाएगा, अब लास्ट में लिख देंगे अतः LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, क्योंकि LHS लिख लेंगे पहले, LHS नोट करेंगे यहाँ से यहाँ तक,
ये हो जाएगा टैन 60 माइनस टैन 30 बटा 1 प्लस टैन 60 इंटू टैन 30। हमको लाना है टैन 30 का बराबर लिखना है। अब क्या करेंगे, टैन 60 का मान होता है रूट थ्री, टैन 30 का मान होता है 1/√3। 1 प्लस टैन 60 का रूट थ्री गुना टैन 30 का 1/√3। इस रूट थ्री से तो ये रूट थ्री को हटा देंगे, बराबर क्या करेंगे, ये रूट थ्री इसका अब एलसीएम लेंगे तो रूट थ्री तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और बटा में हो जाएगा 1 प्लस 1। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा रूट थ्री तो इसको जो 3 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 2। अब क्या करेंगे, 2 बटा ये हो जाएगा रूट थ्री गुना 2, ये इसके बटा में आ जाएगा। अब इस 2 से इस 2 को कटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। तथा यहाँ पर भी हम आंसर मेरा आ रहा है 1/√3 टैन 30 का ही मान होता है, ठीक है, लेकिन तथा टैन 30 का लिख ले रहे हैं, तथा टैन 30 डिग्री, टैन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख सकते थे कि टैन 30 बराबर RHS, ठीक है, और RHS लिखते थे यहाँ पर रूट लिखते थे, लेकिन अगर इतना लिख देंगे तो ये नहीं लिखेंगे, और लेकिन जब ये लिखेंगे तो इतना नहीं लिखेंगे। तथा टैन 30 1/2 लिख देंगे, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस रूट, ये सेम प्रोसेस इस तरह से बनेगा, फिर इतना मेरा LHS और RHS आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर चूंकि LHS है 1 माइनस टैन 30 डिग्री और 1/tan 30 डिग्री। अब 1 का 1 30 का होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 एलसीएम लेंगे रूट थ्री, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1, फिर रूट थ्री ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस 1, इस रूट थ्री से इस रूट थ्री को कटा देंगे। अब क्या करेंगे, रूट थ्री माइनस 1 बटा में हो जाएगा रूट थ्री प्लस 1, ये क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है, हरों का परिमेयकरण कर लेंगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1 रूट थ्री प्लस 1, ठीक है, ये रूट थ्री प्लस 1 और इसके अपोजिट से गुना कर देंगे, अपोजिट से गुना कर देंगे तो रूट थ्री माइनस 1 रूट थ्री माइनस 1, इसका हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर, चाहे डायरेक्ट इसको कर लेते हैं रूट थ्री माइनस 1 का होल स्क्वायर और बटन हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट थ्री का, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस 1 और ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1 ही रहने देते हैं। अब हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1 इसका तुल लें तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2√3 माइनस 1 बटन हो जाएगा 2, इसका तुरेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2 और ये हो जाएगा माइनस 1/2, 3 में से 2 को 1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 में से 1 को घटा देंगे 2 माइनस 2√2/2, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √2 और 2/2, 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2, 1 माइनस √2 रखेंगे। अब क्या करना है, मेरा RHS है तो अब लिखेंगे RHS, लिखेंगे तथा RHS, RHS बराबर 1 माइनस sin 60 बटा है cos 60 बराबर 1 sin 60 का होता है √3/2, फिर √3/2 और cos 60 का भी होता है cos 60 का होता है 1/2, sin 30 का उल्टा होता है cos 60 का मान, तो इसका हो जाएगा 1/2। अब इसको करेंगे तो 2 माइनस √3/2 और ये जगह 1/2, इसको 2 माइनस √3/2 गुना 2/1 ये कर जाएगा तो जगह 2 माइनस √3, इसका क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, LHS 1 माइनस tan 30 1 प्लस tan 30, 1 tan 30 का 1/√3 1 प्लस 1/√3, एलसीएम लेंगे तो √3 √3 माइनस 1 इसका √3 √3 प्लस 1 ये कर देगा 1 माइनस √3 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसके हरों का परिमेयकरण कर लेंगे तो √3 प्लस 1 आता है √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, इसका जगह √3 माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, इसका 1 यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
रूट थ्री का स्क्वायर वन, रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, थ्री में से वन घटेगा तो ये दो हो जाएगा, और इसका स्क्वायर तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी रूट थ्री स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री प्लस वन, इसका स्क्वायर करेंगे तो तीन हो जाएगा, ये वन का वन रूट थ्री, तीन एक चार, चार और ये दो रूट थ्री, इसमें से दो कॉमन लेंगे तो जगह दो रूट थ्री, दो से दो कर देगा दो रूट थ्री। अब क्या है आर एच एस, वन माइनस साइन सात कॉस सात, वन माइनस रूट थ्री बटा दो वन बाय दो, टू माइनस रूट थ्री बटा दो बटा एक बटा दो, दो माइनस रूट थ्री बटा दो, ये गुना करेंगे तो पलट जाएगा रूट थ्री दो बटा एक आ जाएगा, दो से दो कट जाएगा, ये हो जाएगा दो माइनस रूट थ्री। जब मेरा ये एल एच एस, ये एल एच एस का मान है और ये आर एच एस का मान है, जब एल एच एस और आर एच एस बराबर हो जाएगा तो क्या लिख देंगे, अतः एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये एल एच एस और आर एच एस जैसे ही बराबर हो जाएगा उसके बाद लिख देंगे एल एच एस और आर एच एस इज इक्वल टू, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो प्रूफ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरह नंबर, पांच का तेरह नंबर, तेरह नंबर में बोल रहा है कि साइन साठ प्लस कॉस तीस, साइन साठ और कॉस तीस बटा साइन तीस प्लस कॉस साठ प्लस वन बराबर हमको करना है कॉस तीस, तो एल एच एस नोट कर लेंगे, ये एल एच एस नोट कर लेंगे, उसके बाद साइन साठ का मान रूट थ्री बटा दो प्लस कॉस तीस का रूट थ्री बटा दो, साइन तीस का वन बटा दो प्लस कॉस साठ का वन बटा दो प्लस वन, ये दो दो का एलसीएम लेंगे दो रूट थ्री प्लस रूट थ्री, दो दो और इसके बाद हमें कुछ नहीं है एक एलसीएम लेंगे तो दो, तो वन प्लस वन प्लस दो, दो से दो कर देगा तो वन प्लस रूट थ्री और एक एक रूट थ्री और एक रूट थ्री, तो कितना जाएगा एक एक दो, तो दो रूट थ्री और बटा में जोड़ देंगे इसको एक एक दो दो चार, दो से कर देगा चार दो बार में तो रूट थ्री बटा दो, ये मेरा एल एच एस आ गया। उसके बाद आर एच एस, आर एच एस में करा है कॉस तीस, तो कॉस तीस, कॉस तीस का वैल्यू होता है रूट थ्री बटा दो, जब एल एच एस और आर एच एस रूट थ्री दो बटा दो रूट थ्री बटा दो बराबर लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ये मेरा प्रूफ हो जाएगा एल एच एस और इज इक्वल टू आर एच एस, जब एल एच एस और आर एच एस प्रूफ हो जाएगा तो लिख देंगे प्रूफ, ये मेरा इस प्रोसेस के अनुसार ये तेरह नंबर भी। पांच का आखिरी हिसाब है चौदह नंबर, चौदह नंबर में बोल रहा है कि साइन साठ बराबर है टू साइन तीस इंटू कॉस तीस बराबर टू टेन तीस बटा वन प्लस टेन स्क्वायर तीस, सबसे पहले इसका एल एच एस लिखेंगे, एल एच एस में दिया हुआ है साइन साठ, साइन साठ का मान होता है रूट थ्री बटा दो, जब साइन साठ का रूट थ्री बटा दो होता है उसके बाद मिडिल टर्म, ये एल एच एस, ये मिडिल टर्म, ये आर एच एस, तो मिडिल टर्म में है टू साइन तीस इंटू कॉस तीस, टू साइन तीस इंटू कॉस तीस, साइन तीस तो तीस का एक बटा दो, दो गुना एक बटा दो कॉस तीस का रूट थ्री बटा दो, दो से ये दो कर देगा तो ये जगह रूट थ्री बटा दो, इसका भी मिडिल टर्म भी रूट थ्री बटा दो है। उसके बाद है आर एच एस टू टेन तीस बटा वन प्लस टेन स्क्वायर तीस, दो गुना टेन तीस का एक बटा रूट तीन, वन प्लस वन बाई रूट थ्री, रूट इसको गुना कर देंगे दो बटा रूट तीन, वन प्लस वन बाई थ्री, इसका एलसीएम लेंगे तो ये जैसे का तैसे ही रह जाएगा दो बटा रूट तीन, इसका एलसीएम लेंगे तीन तो तीन एकम तीन और एक चार तो तीन प्लस एक, अब इसको क्या करेंगे पलट देंगे तो दो बटा तीन, दो बटा रूट तीन तो दो बटा रूट तीन गुना प्लट देंगे तो तीन ऊपर चला जाएगा और तीन एक जोड़ देंगे तो चार नीचे जाएगा, दो से ये चार कर जाएगा दो बार में, दो से चार दो बार में कट जाएगा और रूट थ्री से ये थ्री रूट थ्री बार में कटेगा रूट थ्री बटा दो, जब मेरा एल एच एस मिडिल टर्म और आर एच एस रूट थ्री बटा दो आ रहा है तो क्या कर देंगे, जैसे ही रूट थ्री बटा दो रूट थ्री बटा दो रूट थ्री बटा दो आ गया, जब तीनों का मान रूट थ्री बटा दो आ गया तो लिख देंगे अतः एल एच एस इज इक्वल टू मिडिल टर्म इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। वीडियो को शेयर जरूर कर दे और अंत तक जरूर।